जना तरीका से लुटावत नहीं ना कुछो ना बाची जो पांच पीढ़ी या सात पीढ़ी खाई हमेशा कहतन कि हमारा ओम के हिस्सा रोलो अलग कर दी अब हमारा से बर्दाश्त नहीं के हो कम एक बात कान खोल के सुन ला तुम्हारी बुढ़िया कूटनी के चार हम चले ना दे छाती पे बैठ के मुंह मत डरा पैसा जोड़ के ही लोग हमरा के जेल से बाहर निकल ला सा ये खाली हम जाना तानी तू ना ई झूठ ना हम अपन कानी से सुन लिया इनके अब बाबूजी के बात करे कि पुलिस थाना में देवे के पैसा नहीं है यही बात के तब सोच बटे सरला कि तू खाली कान से सुन लू समझे के कोशिश ना कैलू कई बार कान से बात सुनल अधूरा होला मतलब में भी बेमतलब निकाल लेवेला और वे तोरा संगे भइल बटे तो बबुआ जी के बात करत तू हां बबुआ जी हमरा के जेल से बाहर निकाली अपना आंखी से देख के आवतानी दरोगा जी से कहत रहला कि कैसे वो जेल से बाहर निकल गइलन दबाव बनावत रहला कि हमरा के जेल में रखल जाए आ उजो तो के बाहर निकले हां ऊ के छोड़ावे आइल ल हमरा के हैं छोड़ा भौजी के छोड़ावे आइल ल हमरा के जेल में 2 मिनट हमरा से मिले के टाइम ना रहल ओकरा पास हमरा के छोड़ावे आइल ल हमरा के छोड़ावे वाला तो हरांके के सामने खड़ा बाटे हमार भौजी इल्जाम लगावत दिया और बबुआ जी के छोड़ावे के ताकत ना रहा उनका पास लेकिन हम छूट गई उनका उनका विश्वासघात से अचानक अड़ुक के हमरा के बाहर छोड़ा के लिए आई ना हमार सामने खड़ा बा हमार भौजी पागल हो गई भी एकदम से हम आके डॉक्टर के पास ले चली पेट में बहुत दर्द होता रवा सुनत नहीं की हमार पेट में तेज दर्द हो रहल बा हमरा के डॉक्टर के पास ले चली देख हमरा लगे टाइम नहीं के काहे कुदाल चलावत बड़ा का बीवी बच्चा खातिर समय नहीं के और गांव वालन के घर में जहर गोले खातिर समय बा तू तोर बकवास सुने खातिर नहीं की देख एगो बहुत जरूरी मीटिंग में जाता ली तू जाके कोनो डॉक्टर को दिखा लेना डॉक्टर से दिखावे के खातिर शहर जाए के पड़ी यहाँ गांव में डॉक्टर कहाँ बा देख पंचायत भवन के पास एगो एनजीओ छोट मोट अस्पताल खुले वाला बा 3-4 दिन में डॉक्टर डॉक्टर आ जियो सो जाके अपन पेट दर्द दिखा लिया सब ठीक हो जाए अब डॉक्टर से दिखावे के खातिर 2-4 दिन और रुकी पति बानी की कसाई बानी देख हम तो से बहस नहीं करल चाह हम एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाते नहीं और हमारा देर होता हम थोड़ा से रात में मिलब हमार लैला हैं
हे भगवान, इनका के कब अकल आए? हमार तो जिंदगी खराब हो गई बा घर में आके। ना ना ना, रोए के ना, इतना बड़ लड़का ना रोएला। उठा बेटा, खड़ा हो, खड़ा हो। ना रोए के ना। बाबूजी, है दवाई। अरे अमर बबुआ, आई बैठ। का है अब का भाई? बाबूजी, हम तो यो लायक निकी के रुआ से माफी मांग सकी, लेकिन का करी, एकरा अलावा हमारे पास कोनो विकल्प नहीं के। हम बार बार गलती के लिए बनी, रुआ लोग के लाख समझौला के बाद भी निकी समझ ले। का करी बाबूजी, वक्त के साथ उम्र और कद दोनों बढ़ गए, लेकिन सोचे समझे के क्षमता नहीं के बढ़ा। हम रउआ लोग के बहुत तकलीफ देले बनी, ओकर सजा भी मिल गइल बा हमके जेल जाके, लेकिन तकलीफ तो ये बात के बा कि हमरा वजह से आपके अस्पताल जाए के पड़ गेल। भौजी के भी हमरा वजह से बहुत परेशानी भइल, घर के मान मर्यादा सब कुछ हम अपना स्वार्थ खातिर मिट्टी में मिला देले बनी। ये सब पाप लेके हम कहाँ जाए बाबूजी? ना ना बेटा, ये पाप ना हो, ये तो जिंदगी के शिक्षा सबक हो। बस तोहरा अपना दिल में सही माने में कर एहसास हो गई, बस ये तहर माफी है बेटा, ये तहर प्रायश्चित हो। लेकिन बाबूजी, हम तब तो बार बार गलती करता नहीं ना, अपन गलती से कहाँ सीख ली हम? अरे बेटा, तो तोरा बार बार ये चीज से तजुर्बा होता रुए। देखा, ये जिंदगी के सही दिशा देवे खातिर और सही मंजिल पर पहुंचे खातिर ये जरूरी बा बेटा। ठीक कहता नहीं बाबूजी, ये सब सीखल बहुत जरूरी बा हमार बबुआ। तरह और रोक के बड़प्पन आना कि हमारे गलती के तजुर्बा का नाम दे के आप लोग हमरा के अपना नजर से गिरे नहीं की दे, तो हम तो गलती करिए दिले वाली ना बाबूजी। एक बात बताए, व्यक्ति आदमी से परिवार कहे बनेला, चाहे परिवार से समाज कहे बनेला, ये सब कि वो लोग साथ में रहकर एक दूसरे के काम आ सके, लोग सुरक्षित रहे, लोग परिवार जा रहुआ साथे खड़ा बा, तो ऐसे ना तो कोनो आसान करता, चाहे आसान के बदला मांगता, बल्कि ऐसे कहे कि हर केहू ऐजा एगो कर्तव्य से बन रहेगा। चलो अब सब कुछ भूल के रहुआ बाबूजी के पैर छू के आशीर्वाद। चलो माफ कर दे बाबूजी। अरे हमार माफी, हमारा आशीर्वाद तो तहरा लोग के साथ है हमेशा से बाबीला। ना ना ना, रोए के ना, इतना बड़ लड़का ना रोएला। बस उठा बेटा, खड़ा हो, खड़ा हो खा। ना रोए के ना, ना रोए के, हिम्मत कर, खड़ा हो। पंडित जी। बोली मुंशी जी। हमके तो खतरा घंटी बाजत सुना था,
काल हम मोहन जी से कहली कि मठ के चोरी के सामान चौधरी के यहाँ बरामद हो गए तो बड़ा खुश हो गई ने, और ये कहली कि हमारा जेल में बंद बा तो बड़ा खुश हो गई ने। पंडित जी जो कहली कि हमारा जेली से छूट गई, महंत जी के ऊपर लगल कि दुखे पहाड़ टूट गए। अब का कही जा सकेला मुंशी जी, पता ना वो शादी औरत दरोगा के कवन पाठ पढ़ूले कि हमारा तो ये दिन में छूट गए। पंडित जी वो औरत के जादू टोना वजन बा, हमरे हिसाब किताब से ऊपर की चीज बा। ससुरी पता नहीं कौन कौन तिकड़म चल रहा, कुछ समझे नहीं आवला। अब वो बात के निचोड़ला से का फायदा मुंशी जी, अब ये सोची कि मठ के पैसा से बिजनेस शुरू होई कि ना। ए पंडित जी एक बात बताई, हम चेहरवा से बकलोल लागिल का ना तो लपुरझंगा लागिल है। हमके पागल कुकुर थोड़े ना कटले, हम बिजनेस शुरू करे जाबे। काना हो सकला मुंशी? बबुआ जी, मुंशी जी कहत रहले कि वो ईट भट्टा वाला काम में मठ के पैसा ना लागी। कहे अब कौन काटा लग गई? अब देखी बबुआ जी, हम महंत जी से पंगा ना ले पाए। अगर कहीं वो पैसा डूब गई तो महंत जी हमें बोटी बोटी काट दिए। और कब मत तोड़ दी बहिने। बबुआ जी पाटर पर समय कहाँ बोले रे? वो समय तो हम रहुआ डर के ना ते हाँ कहे लानी बबुआ जी, और उसमें के बच्चों कुछ और रहल, हमार जेलिम रहल, और बड़की मलकान के परेशान देख मोहन जी कुछ खुशो रहना है। बबुआ जी अब जब मोहन जी के मालूम चले कि चिड़ई फुर हो गए, मार के तर मुंह तोड़ दे भाई से। अभियो हमार मुट्ठी में एगो मोहरा बा, अमर की बीवी, ओकरा लागत बा कि हम अमर के रिहा करोले बणी। अगर हम अमर की बीवी के भरोसा में ले ली तो बाजी पलटी में देर ना लगी। आज लागता कि जैसे हमार लड़का हमरा पास लौट के आ गई। सुनी बबुआ जी के फोन है। अरे राजेंद्र बबुआ कहाँ गए रहला? अरे भौजी बड़की कर्जा चुकावे खातिर पैसा निकाले बैंक में गई रहनी। रउआ ई कहत बानी, पता ना कुसुम काका का कहत बाड़ी? अरे तू केकर बात लेके बैठ गई, जेकर जितना अकल होई उतने बात करी नू। आजकल दोनों बेटियन के फोन भी नहीं खियावत। अरे वो पहले जैसे नहीं रह गई ना, घर संसार वाला हो गल बाड़ी सर। अब घर में हजारों काम पड़ रहेला, घर गृहस्थी के बोझ तू जमते बड़ू। घर गृहस्थी के बोझ तो समझते बानी, बाकी घर गृहस्थी के बोझ से रिश्ता नाता थोड़े भुला जाला। हाँ ये बा। प्रणाम। अरे खुश रहा बेटा। का हो परीक्षा बीत गई का? जी सब ठीक ठाक बीत गई। नंबर तो बढ़िया आई नू? जी अब जौन हमारे काम रहे वो काम अच्छे से कर ले बानी, नंबर देवे और ना देवे काम तो चेक करे वाले के बा। हाँ ये तो ठीक है कहला, बाकी अच्छे से लिख लो खबर तो नंबर बढ़िया आईबे करी। जी घर में सब ठीक ठाक बना? वो माय कहत रहले कि घर के हालत ठीक ना बा, पता नहीं क्या होत बा। हाँ वो तो कहबे करी हन, अब तू आ गई बड़ा तो समझावा करा के। पता नहीं का दिमाग में उल जलूल लेके बैठल बाड़ी, अब हमनी के बात तो सुनत नहीं की, शायद तहार बात सुनस। भैल का अब उनकर से पूछी हा कहाँ गई बिया? पढ़ाई नाजी के साथ मंदिर गई बाड़ी।
बाबूजी है नहीं दूध। हाँ दा। बाबूजी, हम रघुवाल लोग के काम में हाथ बटावल चाहता नहीं। हम भैया के तरह खेती करना चाहता नहीं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा बात बा, ऐसे बढ़िया बात और का हो सकेला। आज लगता कि जैसे हमार लड़का हमरा पास लौट के आ गई। सुनी, बबुआ जी के फोन है। हेलो। हाँ अमर। अरे भैया बधाई हो। बधाई। देखा कोनो तकलीफ तो ना भइल ना? हम जेलर से कुछ बोल दिले रहली हैं तोरा बारे में। देखा एक ठे काम रहल, बिजनेस में 1,00,000 रुपया का जरूरत रहल, लेकिन घबरा मत, तोहर मेहरारू के कहला पे हम ओके लगा देते ली हैं। और ये तुहरा से मिले के रहल हो, अगर तू बोला तब इन्हें मीटिंग खातिर आ जाता नहीं। लात मारा तानी हम तोहरा के और तोहार बिजनेस के। तोहार चेहरा पर जो नकाब पड़ल लाल ना बबुआ जी, वो अब उठ गई बटे। और अब हमके तोहरा संगे कौनो रिश्ता नहीं रखे के। और हाँ एक बात और अपन भेजा में घुसाला, आइंदा से अगर हमरा घरे तू हमरा के या चाहे हमार मेहरारू के फोन कैला तोहर कुंडली बिगाड़ देव। अगर वो ऐसे वो बात कहे करे पूछी ना, हमरा रिहाई पर कितना पैसा खर्चा मिले। इसे रहुआ का मतलब बा, रहुआ ऐजा आ गई नहीं, ये सबसे बड़ बात बा। रहुआ से एक बात कहे करे है। हाँ हाँ बोला। रहुआ माई कितना तकलीफ कहे देत बानी। अरे दिनवा। जी बाबूजी। ते कहाँ घूमत चलते रे? हम तो मिल पे गए रहली बाबूजी। ते उजा बैठ के का गप लड़ावत रहिस? ओजा बहुत बड़ा गाड़ी में मुंबई से कौनो सेठ आइल बा बाबूजी। मुंबई से? हाँ मलकाइन, वो बहुत बड़ा आदमी बा और ओकरे साथे पूरा परिवार भी आइल बा।